उसके बाद ये फरमाया गया अल्लाह से कोई रूबरू उसके हम कलाम नहीं हो सकता आमने सामने, इसलिए कि आंखों में वो कुव्वत ही नहीं अता की गई है कि रब्बे ताला के जलवे को बर्दाश्त कर सके। लिहाजा अल्लाह से हम कलाम आदमी रूबरू होकर नहीं कर सकता, लिहाजा उससे बात करने के तीन तरीके बताए गए हैं कि तीन तरीके से वो बात करता है। एक, वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह, कोई इंसान उससे हम कलाम हो ही नहीं सकता रूबरू होकर। कैसे कलाम करता है? इल्ला वहयन औ मिन वराए हिजाब औ युरसिला रसूलन फयुही बिइज़्निही मा यशा। बात करने का एक तरीका तो यह है कि पर्दे के पीछे से बात करे, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेराज में अल्लाह तबारक व तआला ने बात की पर्दे के पीछे से, मिन वराए हिजाब, अल्लाह और उसके रसूल में बात हो रही है, बीच में पर्दा है, नूरानी हिजाबात हैं जी, ये पर्दे के पीछे, मिन वराए हिजाब बिहाइंड द कर्टिन, पर्दे के पीछे से बात हो रही है, बराबर। अच्छा, एक तरीका ये है और युरसिला रसूलन, फरिश्ता भेज दे, जैसे जिब्राइल आते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते थे कि ये अल्लाह का कलाम है, तो बात करने का एक तरीका ये। और तीसरे, अल्लाह तबारक व ताला दिल में बात डाल देता है, इल्ला वहयन, ये तीन तरीके हैं बात करने के।